किसान आंदोलन के समर्थन में निवास बंद। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए किसी कानून के विरोध में आज पूरा भारत बंद है, जिसके तहत मंडला जिले के निवास ब्लॉक में भी बंद का आह्वान किया गया है। किसानों के इस बंद का समर्थन कांग्रेस कमेटी, जेएस और जेएसयू ने किया है और बाजार बंद का आह्वान किया गया है। संगठनों के समस्त व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की है और बताया गया कि हमेशा किसानों की लड़ाई में हम खड़े हैं। वहीं शांति व्यवस्था बनाने हेतु निवास थाना प्रभारी सहित पूरा स्टाफ मौजूद। निवास से रोहित चौकसे की यह रिपोर्ट। के सम्मान में आज समस्त पूरा भारत देश बंद है और इसी तरह में आज जिला मंडला का ब्लॉक शाखा निवास में हम किसानों के सम्मान में जो तीन काले कानून आए हैं, इसके संबंध में आज हम पूरा निवास 1 बजे तक बंद रहेगा। और इसको लगभग देश भर की 24 पार्टियां और सामाजिक संगठन जैस और जीएसए सभी समर्थन करते हैं। पूरे देश के किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का अपनी मांग को लेकर कि जो मोदी सरकार ने जो काला कानून बनाया है, इस कानून को वापस ले और सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़नी है जो किसान लोग चाहते हैं कि MSP का निर्धारण हो, MSP निर्धारित हो पूरे देश में, सिर्फ इस बात को लेके। और एक छोटी सी बात को भी देश की प्रधानमंत्री, देश की मोदी सरकार एक छोटी सी लाइन को भी उस कानून में नहीं जोड़ रही है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये मोदी सरकार किसानों के खिलाफ में है, मोदी सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, इसी चीज के विरोध में। और निवास के समस्त व्यापारी संगठनों ने, समस्त व्यापारियों ने, सम्माननीय व्यापारियों ने इस भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस और जेएस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस बंद का आह्वान किया था निवास में, जिसको जिला बनाओ संघर्ष समिति और अन्य जितने भी सामाजिक संगठन है उन्होंने निवास के बंद का समर्थन किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।